गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं वंदना और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं वंदना और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक ऐसा फेस वॉश जिसे हम घर में ही बनाएंगे, वो भी अपने ही किचन की दो ऐसी चीज़ों से जो कि आपके किचन में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती हैं। मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि अपनी रेमेडीज़ में ऐसी ही चीज़ें लेके आऊँ जो कि आपके घर में ईजिली मिल सके और आपको यहाँ वहाँ कहीं भी ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो जब हमारे किचन में ही ऐसी इफेक्टिव चीज़ें मिल जाती हैं ईजिली, तो हमें यहाँ वहाँ घूमना भी नहीं चाहिए। और ये जो हम फेस वॉश बनाने वाले हैं ना, ये आपके बाजार के महंगे महंगे सारे जो भी फेस वॉश होते हैं उन सबको टक्कर देने वाला है। टक्कर क्या देने वाला है, ये जो आपके बाजार के महंगे महंगे फेस वॉश होते हैं, केमिकल चीज़ें इनमें यूज़ हुई होती है, आपकी स्किन को डैमेज करती रहती है धीरे धीरे से। हमें इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन बाद में जब आप अपनी स्किन में झुर्रियाँ और एजिंग देखते हो ना, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं, वाकई इन चीज़ों ने हमारे स्किन को अच्छा नहीं बनाया है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। तो इससे बेटर है कि हम अपने घर पे मौजूद जो इतनी अच्छी चीज़ें हैं उन्हीं का यूज़ करें। और आज इन्हीं दो चीज़ों के साथ हम बनाने वाले हैं फेस वॉश। तो बहुत ज़्यादा बातें ना करके चलिए देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हम लेने वाले हैं और कैसे बनाने वाले हैं ये फेस वॉश। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये मक्की का आटा है। अगर आपके पास मक्की का आटा ना हो तो आप चावल का आटा ले सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। और अगर आपके पास दोनों ही चीज़ें ना हो तब भी आप बेसन ले सकते हो। तो इसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है ये फ्रेश दही। और दही आपने बस इतनी सी लेनी है कि ये मिक्सअप हो जाए अच्छी तरह से। तो दही में आपको पता ही है कि कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है और हमारी स्किन के बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा माना जाता है। तो ये देखिए मैं हाथ पे ही, ताकि क्योंकि आपको डेली के डेली कोई एक बर्तन भी वेस्ट ना करना पड़े, मतलब ख़राब ना करना पड़े। हमारे यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ठंड की वजह से ना बर्तनों को धुलने वाला इंसान भी बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। तो उस चीज़ को मैं ये हाइड करने के लिए, आपको हंसी आ रही होगी कि क्या बोल रही है, लेकिन अगर आप भी ठंड में थोड़े दिन रहो ना तो आपको पता चलेगा कि कंजूसियत करनी पड़ती है फिर। और दूसरा कि अगर आपके हाथ में ही अच्छी तरह से मिक्सअप हो रहा है तो वैसे भी हमें यह हाथों में भी और फेस के ऊपर भी हमें यही अप्लाई करना है। तो ये चीज़ अभी ये देखिए अच्छी तरह से ये पेस्ट बन चुका है ठीक सा, बहुत ज़्यादा आपको इसको पतला नहीं बनाना है। और फिर अप्लाई कर लेना है इसे इस तरह से अपने फेस पे। और मैं बोल रही हूँ ना, इससे ज़्यादा अच्छा फेस वॉश आपके लिए बिल्कुल कोई भी नहीं हो सकता। महंगे महंगे बाजार के फेस वॉश बहुत सारे केमिकल उनमें होते हैं और आपकी स्किन को फ़ायदा देने के बजाय ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाते हैं और आपको इस चीज़ का पता भी नहीं चलता। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है ये चीज़। और ये देखिए अभी जितना आपके पास बच गया, सिर्फ एक चम्मच मैंने यहाँ पे लिया था, तो आप इसे इस तरह से अपने हाथों के ऊपर भी आराम से लगा सकते हो और फेस के ऊपर भी आपने इस तरह से मसाज करना है। आपके जो डर्ट्स होंगे ना बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाएंगे, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। साबुन, कोई भी फेस वॉश, कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सालों की जमी हुई आपकी जो फेस के ऊपर मैल है ना, वो इस तरह से निकलेगी, आप भरोसा भी नहीं कर पाओगे कि बाकी ये सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ ने, मतलब ये किचन, और वो भी आपकी किचन की ही, आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब कि फ्री में ही आपने अपनी स्किन को चमका लिया। तो ये आप फील करोगे, बस थोड़ी सी देर आप मसाज कीजिए इस तरह से। गुना पानी आप इस तरीके से ले लीजिए और इसमें ये कॉटन मैंने लिया है और इसी की हेल्प से हम इसे, जो ये हमने लगाया है, इसे उतार लेंगे। और ये देखिए फ़र्क आपको साफ ही नज़र आ रहा होगा, मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद आप देखिए, और देखिए जो इसके अंदर ये थोड़ा, क्योंकि ये घर के जो मक्की का आटा और ये चावल का आटा होता है ये थोड़ा दानेदार रहता है, और इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे दाने दाने जैसे होते हैं ना, ये जब आपके फेस पे इस तरह से सर्कुलर मोशन में जाएंगे ना, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम से बढ़ेगा। और जब हमारी स्किन में ब्लड अच्छी तरह से फ्लो करता है तभी हमारी स्किन चमकदार बनती है। और आपको स्क्रबिंग के बाद देखिए, जो भी आपके अंदर फेस के अंदर कोई भी डर्ट्स होंगे वो एकदम से बाहर निकल आएंगे। दूसरा, अगर आपको व्हाइट हेड ब्लैक हेड की प्रॉब्लम है, वो वाली चीज़ भी आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए अभी आप देख सकते हो कि कितने अच्छी तरह से मेरा फेस क्लीन हो चुका है, हाथ लगाइए एकदम सॉफ्ट जैसा हो गया है। तो इस तरीके से आप, ज़रूरी नहीं है कि फेस वॉश महंगे महंगे यही आपके कामयाब हैं, आप घर की किचन की इन चीज़ों को यूज़ करके देखिए। मैं बोलती हूँ आप ये महंगी महंगी चीज़ें ना बिल्कुल भूल ही जाओगे, कभी भी आप इन चीज़ों का यूज़ ही नहीं करोगे।
और आप पूछ रहे थे ना कि यहाँ यहाँ जो आपको कालापन होता है उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए अगेन आप ना यहाँ यहाँ पे इस तरह से हल्के हाथों से मसाज कीजिए, तो जितने भी आपकी फटी हुई स्किन होगी ना पहले तो वो निकल आएगी। और अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम है, टैनिंग हो गई है या फिर कालापन हो गया है, सर्दियों में यही समस्या होती है, और होती इसीलिए है क्योंकि हमारी स्किन फट जाती है और फिर वो काली काली पड़ने लग जाती है, और इस तरह से आप जब करोगे ना तो वो सारी डेड स्किन जो है आपकी पहले तो निकल आएगी। इसके बाद आपने क्या करना है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डेड स्किन तो आप निकाल दोगे, स्किन आपकी फिर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, नई स्किन होगी वो, तो उसके ऊपर अगर आपने केयर नहीं की ना तो फिर कोई फायदा नहीं रह जाएगा। और ये देखिए साफ नजर आ रहा है ना आपको कि कितना फर्क आपके चेहरे पे इस टाइम पे पड़ा है। तो इस तरह से अब आप इसको पोंछ सकते हो और फिर आप चावल की हेल्प से अपना चेहरा पोंछ लीजिए और ये देखिए रिजल्ट। तो इस तरह से आप डेली अपना फेस वॉश कर सकते हो, चाहे से आप चावल का आटा लीजिए, चाहे से आप मक्के का आटा लीजिए, आप बेसन यूज़ कर सकते हो, जो भी आप चाहें। इसके बाद फिर आप पूछते हो कि लगाना क्या है अपने फेस पे, तो आप अपनी कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हो। मैं ये पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती हूँ तो मैं इसे लगाऊंगी, या फिर मैं एलोवेरा जेल लगाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन अभी मैं ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम ही लगा रही हूँ। तो इसे मैं अच्छी तरह से अपने हाथों पे भी, क्योंकि हाथों पे भी हमने यही चीज़ अप्लाई की थी, तो हाथों पे भी और फेस के ऊपर भी मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। और इसी के साथ ही फिर काजल और लिपस्टिक हम लगाएंगे तो हमारा मेकअप लुक भी क्रिएट हो जाएगा। बहुत कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है अगर आप नेचुरली इन सब चीज़ों का भी यूज़ करते हो ना, बस आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन साफ है, कोई दाग धब्बा नहीं है, तो आपको कोई भी बहुत ज़्यादा फालतू के मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से फिर काजल, लिपस्टिक और बिंदी लगाने के बाद हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाता है। और एक देखिए आप ब्राइटनेस चेहरे पर साफ ही दिखाई दे रही होगी आपको। तो अगर आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पे मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ ही हिमाचल की ब्यूटी आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज मैं आपके साथ अपनी बहुत बड़ी खुशी यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, और ये खुशी आप लोगों की वजह से ही हमें मिली है। तो ये खुशी मेरी नहीं है, हम सब की है, मतलब वेडी लाइफ एक्सपीरियंस की जितनी भी हमारी ये फैमिली है, हम सब के लिए ये खुशी वाली बात है। और ये रहा हमारा सिल्वर प्ले बटन, तो ये है हमारी खुशी जिसे आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि अगर आपने प्यार और सपोर्ट नहीं किया होता तो ये चीज़ हमारे लिए कभी भी पॉसिबल ही नहीं हो पाती। और इसके साथ और क्या मिला है, तो ये एक सर्टिफिकेट है, कुछ ऐसे तरह इस तरह से लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हो। और बाकी यही था सिल्वर प्ले बटन, और इसके अंदर और कुछ नहीं था, इसमें मतलब अच्छी तरह से पैक्ड होके आया हुआ था। तो बस यही कहना चाहूँ, क्योंकि आज ना मेरे पास बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं है कि मैं आपके साथ बहुत गप्पे मारूँ, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी मतलब ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है। बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने सपोर्ट नहीं किया होता तो हमारे लिए मतलब इस यहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता। मुश्किल क्या, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक भी पहुँचूंगी। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब बस इतना ज़रूर सोचा था कि बस मोनेटाइज हो जाना चाहिए, उसके अलावा और मेरी कोई भी सोच नहीं थी कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी मैं धन्यवाद बोलूँगी ना वो कम ही होगा। और ये जो प्ले बटन है तो ये मेरा नहीं है, हमारी सारी फैमिली का है। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट हमें आगे भी देते रहिएगा। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे। मैंने इसको बोलने दिया, मैंने कहा चल पहले ये बोल लेती है फिर मैं बोलता हूँ। और बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, और जो आपने इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब थोड़ा बंदना ही बोलेगी मुझे, मैं इतना बोल नहीं पे, शब्द नहीं आ रहे मैं क्या बोलूँ। तो अभी परिदेव को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोला जाए, ऐसे मौक़ों पे क्या बोला जाता है। हो जाता है ना कभी कभी कि हम बहुत ज़्यादा खुशी में होते हैं, एक्साइटमेंट में होते हैं, तब भी फिर हमें कुछ भी वर्ड्स याद ही नहीं आते। ऐसे मैं भी तो बहुत ज़्यादा फटर करती हूँ, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है एक्साइटमेंट में। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ यही शेयर करना चाहूँगी कि कैसी रही है हमारी जर्नी, मतलब क्या क्या मैंने चैनल पे शेयर किया है।
तो मैंने नीटिंग पे भी बहुत ज्यादा काम किया है और लगभग 100 से ऊपर ही वीडियोस शेयर किया है नीटिंग के, जो कि और बहुत नीटिंग के ज्यादा जो इसके पसंद वीडियो किए है गए डिजाइन हैं। बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, तो आपको भी अगर अच्छे लगे आप होंगे। देखना चाहें तो प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे पैटर्न्स जो हैं, क्योंकि बहुत कमेंट में पढ़ती हूँ कि ये वाला पैटर्न नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने प्लेलिस्ट उसी चीज़ की बना पाई है, क्योंकि थोड़ा सा बिजी मैं भी रहती हूँ और दो चैनल को संभालना होता है, इस वजह से फिर अच्छी तरह से अरेंजमेंट आई थिंक मैंने चैनल का किया नहीं है, लेकिन मैंने नीटिंग वालों के लिए प्लेलिस्ट अलग से बना के रखी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जितने भी मैंने आज तक पैटर्न शेयर किए हैं वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने हेयर केयर पे, जो कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं, वीडियोस दिए हैं, अच्छी अच्छी रेमेडीज लेके आती हूँ, तो उन्हें मैं पहले अपने बालों पे यूज़ करती हूँ, उसके बाद जब बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है ना, तो आपके साथ शेयर करती हूँ और ब्लॉग चैनल पे भी बताती हूँ। तो अगर आप ब्लॉग चैनल पे जाना भी और जो लो इसके फेस पैक है वो आपको ग्लो देख लो, सास, मैंने आज ही लगाया हुआ है, तो तो ज्यादा इफेक्ट बहुत, मेरे ऊपर ही करता है वो। हाँ क्योंकि बोलते हैं ना कि जो कभी कभार लगाते हैं उनपे इंस्टेंटली फिर देखने को मिलता है, और जो मेरी तरह रेगुलर, क्योंकि आपके साथ शेयर करना होता है, तो मैं रेगुलर कोई ना कोई नई नई चीज़ यूज़ करती रहती हूँ और देखती रहती हूँ कि कौन अच्छा जैसा इफेक्ट देती है, तो उसे मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो मतलब स्किन केयर पे, हेयर केयर पे और नीटिंग नीटिंग पे, ये सारी वीडियोस मैंने आप यहाँ पे शेयर की है। इसके अलावा भी कुछ और ट्राई करती रहती थी बीच में, जो कि आप वेट लॉस पसंद, वगैरह। हाँ वेट लॉस का मैंने बहुत, क्योंकि इसमें मेरा काफ़ी स्ट्रगल रहा है, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी वेट जो है उसको रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो मेरे लिए भी रहा था स्टार्टिंग में, तो वो मेरे अप्स एंड डाउन्स, कैसे कैसे हालात थे, वो हर एक चीज़ भी मैंने यहाँ पे शेयर की है, उसे भी आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। तो बस यही, मैं आगे भगवान से भी दुआ करूंगी कि आगे भी आपको जो मैं आगे शेयर करूं चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आऊं, और आप लोग इसी तरह से उनको भी प्यार दें। बस इससे ज़्यादा और ज़्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, और बोली कि और कैसे अपना रह भी लिया सपोर्ट और आप, प्यार हमेशा बनाए रखें हमारे लिए, प्लीज। तो बस जी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओके, थैंक यू।